हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिवेन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं, यानी वीकली करेंट अफेयर अगस्त माह के फर्स्ट वीक के, उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं, वीकली करेंट अफेयर जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उनको देखते हैं। तो पहला करंट अफेयर है, अपने डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी किस राज्य ने की है जो भारतीय हथियारों के बाजार के लिए रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? तो गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो की, जो गुजरात के गांधीनगर है, उन्होंने अपने पहले डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, माइक हेडरी का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज थे? तो इंग्लैंड के वो पूर्व तेज गेंदबाज थे। नेक्स्ट है, भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक CATS यानी ग्लोबल कंजर्वेशन एशियो टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है? तो भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक CATA स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, भारत बिल पे के नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नुपुर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की अध्यक्षता संभालेगा? तो ये भारत। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने COVID-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है, COVID-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों को 10 लाख रुपए की मदद की है। नेक्स्ट है, टुगेदर एंगेस्ट करप्शन इंटरनेशनल यूथ कॉन्टेस्ट फॉर सोशल एंटी करप्शन एडवर्टाइजिंग यानी IYCSAA में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो खुशी कुमारी ने जीती। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है? तो हैं राजद हुसैन। नेक्स्ट है, किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो सचिव जो आशुतोष है, उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यानी जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, उसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहला महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो PV सिंधु, जो कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट है, PM मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित साधन के लिए क्या लॉन्च किया है? तो ई-रूपी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट भुगतान समाधान। नेक्स्ट है, शताब्दी की धाविका मनकौर का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इसमें वीकली करंट अफेयर में जून 2021 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो 18.2% तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है, प्रति 10 लाख लोगों पर टीकाकरण की स्थिति में किस राज्य ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो गुजरात। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान रॉयल्स ने किस फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो बारबाडोस फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी CESL किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो HPCL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हैं SN घोरमडे को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस हॉकी खिलाड़ी ने ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली देश की पहला महिला खिलाड़ी बन गई है? तो वंदना कटारिया। नेक्स्ट है, श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो जो इसरो उड़ाना है, श्रीलंका के तेज गेंदबाज तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का पहला आर्कटिक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गोरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने
गोरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। किसने बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को जीत लिया है? तो आनंद राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है, तोपखाने के महानिदेशक के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट तरुण कुमार को तोपखाने के महानिदेशक के लिए नियुक्त किया गया है। अविनाश सांबले ने कितने मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 3000 मीटर में। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? तो स्टेबन ओकन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। नेक्स्ट है, निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में। नेक्स्ट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी P&G ने किसे वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में नियुक्त किया है? शैलेश जेजुरियकर। नेक्स्ट है, किसे डिजिटल बैंकिंग में सर्वाधिक नवाचार के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया है? तो DBS को। नेक्स्ट है, रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक 5D को WHO ने प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है या किसको रोकने में मदद करेगा? डायरिया को। भारत के लिए विशेष व्यापार दूत किसे नियुक्त किया गया है? टोनी एबॉट को भारत के लिए विशेष व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त मनप्रीत वोरा को अब किसका अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? नाउरू का, जो नाउरू देश है वहाँ का। नेक्स्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं के मेंढकों के किस एक नई प्रजाति की खोज की है? तो मिनर्वरिया पेंटाली की। किस देश ने अक्टूबर 2021 में होने वाले ग्रीन इनिशिएटिव समिट में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत COVID-19 के अलावा अन्य कारणों से भी अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह देगी? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल योजना शुरू की है जिसके तहत लाभार्थी बच्चों को 3000 रुपये मिलेंगे? तो उत्तराखंड ने। टोक्यो ओलंपिक में मेन सिंगल टेनिस में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। नेक्स्ट है, पारस खड़का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वो किस देश के पूर्व कप्तान है? तो नेपाल के। ईरान के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिम रायसी को ईरान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। जुलाई 2020 में GST संग्रह कितने लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया है? तो जुलाई 2021 में GST जो संग्रह है 1.16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है, IRCTC 29 अगस्त से किस नए स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा? तो भारतीय रेलवे ने भारतीय दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, इतावली लग्जरी बोलगरी ने किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को बोलगरी ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान तिलक पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? तो साइरस पूनावाला को 2021 के लिए लोकमान तिलक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। म्यांमार के किस सेना प्रमुख ने खुद को PM नियुक्त किया है? तो मीन आंग हलिक ने, म्यांमार के सेना जो प्रमुख है उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया है म्यांमार के। नेक्स्ट है, एक नया लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दीपक दास है। किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। नेक्स्ट है, उपन्यासकार कुणाल बसु किस नए उपन्यास का विमोचन करेंगे? उपन्यास का नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निकोल पसिनियान को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 100% टीकाकरण हासिल करने वाला कौन सा शहर बन गया है? तो उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है। संसद ने देश भर में अंतर्देशी पोत नेविगेशन के लिए एक समान नियामक ढांचा के लिए किस विधेयक को पारित किया है? तो अंतर्देशी पोत विधेयक 2021। UNSC ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी।
जुलाई सितंबर 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 13.3%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के तहत अब तक कितने करोड़ रुपए से अधिक ऋण को स्वीकृत किया जा चुका है? 29.55 करोड़ रुपए। दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो फ्रीक आउट इंटरटेनमेंट को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 मिला है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? BM कनाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए 7.5% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा योजना 1 अप्रैल 2021 से कब तक जारी रखने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2026 तक। मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो वह 31 मार्च 2023 तक। म्यांमार का विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो म्यांमार का विशेष दूत एरिवान यूसुफ को नियुक्त किया गया है। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट यानी टाइज TIES ने किस दो प्रतिष्ठित भारतीय विद्वानों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो जो प्रतिष्ठित विद्वान है डॉक्टर जगदीश भगवती और DC रंगराजन। केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल तालाबंदी और छटनी पर रोक लगाने के लिए किस नए एक नए विधेयक को पारित किया गया है? तो आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021। भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत सरकार ने 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2022 में कुल ऋण GDP का बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 61.7% हो गया है। पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के लिए किसे नया पॉइंट मैन नियुक्त किया है? तो खालिद मंसूर को। विश्वभर के भारतीयों को राष्ट्रीय उत्सव 2021 में भाग लेने के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो indianidc2021.mod.gov.in। नेक्स्ट है, 7 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इंफोसिस। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून ग्लोबल सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किस स्थान पर है? तो 155वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान ICE द्वारा किसे ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो मंगदेछु परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान ICE द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया। किस राज्य की सरकार ने विद्या क्रीड़मय परियोजना और वेबसाइट का उद्घाटन किया? तो केरल सरकार ने। ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? या दी गई है 99.49 करोड़ रुपए। SBI पेमेंट ने ई रूपी लेन देन प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस के साथ। किस राज्य सरकार को मानव रहित विमान प्रणाली USA नियम 2021 को छूट दी गई है? तो हरियाणा राज्य सरकार को। बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अब तक 24% की वृद्धि हुई है बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं में। नेक्स्ट है, ट्राइफेड दुनिया भर में कितने भारतीय मिशनों दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेगा? तो 100 भारतीय दूतावासों मिशनों में एक आत्मनिर्भर भारतीय कॉर्नर स्थापित करेगा। 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी JDSI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धृति बनर्जी को। कौन सी कंपनी चौथी सबसे बड़ी मूल्यवान भारतीय केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनी बन गई है? वो है SCL। यूरो स्पोर्ट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जॉन अब्राहम को यूरो स्पोर्ट ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो वह है जर्मनी। नेक्स्ट है, चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने किस देश को अपनी पहली हथियार बिक्री की मंजूरी दी है? ताइवान ने।
नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान IIST और किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, तो है द डेल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी TU डेल्फ नीदरलैंड। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2021 तक कितने मेगावाट पहुंचने की उम्मीद है, तो है 22,480 मेगावाट। नेक्स्ट है, भारतीय दौरे पर आए अमेरिकी सेना प्रमुख का क्या नाम है, जनरल जेम्स सी मैककानविले। भारत रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंदिरा 2021 कहाँ पर शुरू हुआ है, तो रूस के फूटबाय रेंज बोलोग्राड में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, तो जर्मनी को हराकर। 2021 की पहली छमाही में कितने साइबर सुरक्षाएं घटनाएं देखी गई, तो 12,000 ऐसी घटनाएं देखी गई। किस राज्य के मंदिर श्री महतोबरा विश्वेश्वर मंदिर में विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के शासन के दौरान एक पत्थर का शिलेख पाया गया है, कर्नाटक के राज्य के उडुपी जिले में। किस डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री का निधन हो गया, तो है पद्मा सचदेव। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने किस पोर्टल पर भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल CIP लॉन्च किया है, www.cip.ice.gate.gov.in/CIP। चीन के साथ भारत के व्यापार 2020-21 में घटकर कितना हो गया है, तो 44.02 बिलियन डॉलर। किस राज्य में व्हाइट फंगस या एस्परगिलस की असमान घटना हुई है, जो कोविड के ठीक हुए रोगी के मस्तिष्क में एक फोड़ा विकसित कर रहा है, तो हैदराबाद राज्य में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के एक वर्ष के लंबे गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में सेना की वापसी पूरी कर ली गई है, तो है गोगरा क्षेत्र। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने महिला हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगी, हरियाणा सरकार। QS यानी क्वाक्यूरेली साइमंड्स 2022 रैंकिंग के पहले स्थान पर कौन सा शहर है, वो है लंदन। नेक्स्ट है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य क्षेत्र में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है, वो लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो पंजाब सरकार ने। वित्त मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBS को अनुदान के लिए किन राज्यों को 686 करोड़ रुपये जारी किए हैं, तो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड और मिजोरम। किस राज्य सरकार ने रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है, हरियाणा सरकार ने। भारत ने किस देश को 300 एम्बुलेंस भेंट की है, बांग्लादेश को। पूरे भारत में नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी कौन करेगा, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के लिए किस विधेयक को पारित कर दिया गया है, तो ये विधेयक है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने कहां पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है, तो लद्दाख में उमलिंगल्ला दर्रे पर। विदेशी राष्ट्रों से अब तक कितने पुरावशेष प्राप्त किए जा चुके हैं, तो है 54। तेलंगाना सरकार ने प्रमुख दलित कल्याण योजना दलित बंधु के तहत लाभार्थी परिवार को कितने रुपए मिलेंगे, तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। थैंक यू।